खबर सगड़ी आजमगढ़ से। सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ इसरा पार्क की प्रसिद्ध कोठी के मालिक का 15 वर्ष बाद पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को रामगढ़ इसरा पार्क की प्रसिद्ध लगभग 100 साल पुरानी कोठी पर उनके वंशज अतुल कुमार सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह अयोध्या के दर्शन नगर से लगभग 15 वर्ष बाद अपनी कोठी पर हो रहे हॉरर फिल्म नायिका प्रधान मधुमिता की शूटिंग के दौरान पहुंचे, जहां गांव के प्रधान अभिषेक सिंह नीरज राय सहित दर्जनों की संख्या में युवकों ने फूलमाला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। उन्होंने कोठी का भ्रमण किया। सेट पर पहुंचे कोठी के मालिक का डायरेक्टर धीरज ठाकुर ने मधुमिता का क्लैप लगा शुभारंभ कराया। वहीं अपने पैतृक जन्मभूमि को याद कर बाबा संपूर्ण नारायण सिंह, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व गोसाईगंज के विधायक रहे, के व्यापार व राजनीतिक सामाजिक कारणों से गांव से दूर रहने व अगली बार रामलीला में आने के आश्वासन ग्रामीणों को दिया, जिसमें मुख्य रूप से अजीत राय, संजीव सिंह, अनु सिंह, संदीप सिंह, डीसी मनरेगा प्रिंस राय सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए कोठी हमारी हमारे दादाजी वासुदेव नारायण सिंह जी, जो यहाँ से रामगढ़ से निकल करके व्यापार के सिलसिले में सबसे पहले अयोध्या गए और वहीं से उन्होंने अपने व्यापार का और काम का विस्तार किया। वो राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे, सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे। बनारस जा करके उन्होंने बाद में अपना केंद्र बनाया, जहाँ व्यापार और मकान, उनके चार लड़के थे जिसमें सबसे बड़े मेरे बाबा स्वर्गीय शंभू नारायण सिंह जी थे, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और वहाँ से बाद में एमएलए भी हुए। तो और दादाजी हमारे, उन्होंने जो है यहाँ से बनारस से लेकर विराटनगर, और सबसे बड़ी चीज कि व्यापार के साथ साथ उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक सरोकारों से बराबर अपना रिश्ता बनाए रखा। और विराटनगर में भी जहां वो रहते थे, मातृका प्रसाद कोइराला उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे उनके बड़ी निजी अंतरंग संबंध थे और आना जाना दोनों था। सिर्फ ये नहीं था कि जो है वो जाते थे, आना और जाना था। बनारस में भी जो हमारी कोठी है चेतगंज थाने के सामने लभरावीर पर, वो सोशलिस्टों का एक गढ़ रही। वो यहाँ आजमगढ़ और फैजाबाद दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के जो है फाउंडर रहे। अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ते हुए शंभू नारायण सिंह जी ने, जब पुलिस की दबिश और दखल ज्यादा हो जाती थी तो आजमगढ़ आ जाते थे, आजमगढ़ में जब ज्यादा दखल बढ़ती थी तो अयोध्या फैजाबाद चले जाया करते थे। और उनका जो है सूट एट साइट था, जेल भी गए। और सबसे बड़ी चीज कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में अपने मूल्यों से, अपनी नैतिकता से कभी मुंह नहीं मोड़ा, मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया। जिस तरीके से सोचते थे उसी तरीके से पूरे जीवन वह अपना बिता करके चले गए। तो हम सब के लिए गर्व इस बात का है कि आज भी जो छोड़कर वो गए थे, जिन जिन जगहों पर उनका सरोकार रहा है, आते जाते रहे वो, वहां पर पुराने लोग भी और नए लोगों में भी उनकी किस्से कहानियां। वासुदेव नारायण सिंह जब यहां से गए तो 300 साल तक वो कांग्रेस कमेटी के फैजाबाद के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के दफ्तर में उनका आज भी वो जो शिलापट है उस पर नाम लिखा हुआ है। तो हमें ये लगता है कि व्यवसाय जो उन्होंने चुना था ईंट भट्ठे का, एक बहुत पुराना स्कूल उन्होंने वहां इस्टेब्लिश किया था गोसाईगंज में, उस क्षेत्र में तब उस समय 58 में देश की आजादी के बाद शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं थी नहीं, तो स्कूल उन्होंने बनवाया और उस इलाके का आज भी सबसे अच्छा स्कूल लोग उसको कहते हैं। एक कहा जाता है कि यहाँ की जाति की बात करो तो वो सिंह लिखे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ मालूम चले दो मिनट। देखिए उन लोगों ने जिस विचारधारा की राजनीति की,
उसमें कहीं जातवाद नहीं था, उसमें वर्गीय संघर्ष की बात थी और वर्गीय राजनीति थी। उन लोगों का ये मानना था कि जो है लूटने वालों की एक जात है और जो लूट रहा है उसकी एक जात। तो किसान, मजदूर और ऐसे लोग जो शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनकी रहनुमाई उन्होंने की। उन्होंने कभी जातिवाद को अपनी उसका आधार नहीं बनाया। और जिस विधानसभा से वो एमएलए हुए, उस विधानसभा में हमारे भूमिहार जात का एक भी वोट नहीं था, लेकिन उनकी सरलता, उनकी सादगी से पूरे इलाके में ब्राह्मण उनके साथ था और ब्राह्मण उनको पंडित जी ही कहता था। उनको पंडित जी के नाम से ही उनकी ख्याति उस जिले के अंदर थी। धन्यवाद।